केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 4 सालों की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज भाजुमा हमीरपुर द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बाइक रैली को हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली के माध्यम से हर बूथ में जाकर युवक घर घर जाकर लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ में इस तरह की बाइक रैलियां निकाली जाएंगी। वहीं इस रैली के दौरान कई युवा यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भी नजर आए। अधिकतर युवाओं ने रैली के दौरान हेलमेट नहीं पहने थे। युवा सरेआम नियमों को ताक पर रखकर बाइक चलाते हुए नजर आए। हमीरपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि आज भाजुमा द्वारा बाइक रैली निकाली जा रही है। युवा घर घर जाकर लोगों को केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने हमीरपुर में ही बहुत कुछ दिया है। हाल ही में मेडिकल कॉलेज की सारी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। इस सत्र से कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार को बने हुए 4 वर्ष पूरे हुए हैं। जब से केंद्र में हमारी सरकार बनी है, माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी बने हैं, इन 4 सालों में उन्होंने देश के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं जो दी हैं, और इस 4 साल के उपलक्ष्य में जो भी जितनी भी योजना है, चाहे वो मुद्रा योजना है, चाहे वो स्वावलंबन योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, ऐसी कई प्रकार, जैसे एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी है, ऐसी कई प्रकार की जो पॉलिसी है जिससे आम आदमी बेनिफिटेड हुआ है, इस प्रकार की कई योजनाएं जो 4 साल में माननीय मोदी ने प्रदेश को दी हैं, जनता में जाके जनता को जागरूक करना जो है, इस उपलक्ष्य में आज हमने ये मोटरसाइकिल युवा मोटरसाइकिल रैली जो निकाली गई है। इसके अलावा आपने देखा भी है, मैं ज़्यादा दूर भी नहीं जाना चाहूँगा, मैं हिमाचल प्रदेश और हमीरपुर की ही बात करना चाहूँगा कि इन 4 सालों में हमीरपुर के लिए भी माननीय मोदी जी ने बहुत कुछ दिया, जिसका एक सीधा साधा उदाहरण तो इनके सामने आ जाता है कि अभी हाल ही में हमारे हमीरपुर जिला के लिए, हमीरपुर शहर के लिए मेडिकल कॉलेज की जो फॉर्मेलिटी थी वो सारी पूरी हो चुकी है, और इसी महीने में के एंड में हमारे मेडिकल कॉलेज का जो इनॉग्रेशन जो है वो माननीय सीएम जी रखने जा रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि 4 लाइन का सर्वे जो है वो उसका प्रोसेस काम शुरू हुआ है, और ज्वाला जी से धर्मशाला के लिए टेंडरिंग प्रोसेस भी शुरू होने जा रहा है। रेलवे लाइन का आपको भी बताया, बजट का प्रावधान हो चुका है, आपको एम्स हॉस्पिटल न्यू बिलासपुर में आपको मिला है। तो इन 4 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने हमीरपुर जिला के लिए, हमीरपुर पार्लियामेंट की तरफ से व प्रदेश के लिए व देश के लिए जो कुछ भी किया है, जनता को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में हमने ये सारा जो है आज बाइक रैली जो है निकाली है। यस, ये हर बूथ पर जाके जो ये रैली निकाली जाएगी, और हर जिला के हर कंस्टिट्यूएंसी के हर बूथ पर ये हमारी पार्टी का प्रोग्राम है, बाइक रैली जो निकाली जाएगी। सर कुछ लोग वहीं जब विधायक नरेंद्र ठाकुर से बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले युवाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी युवाओं को निर्देश दिए गए हैं कि हेलमेट पहनकर ही बाइक चलाएं। उन्होंने कहा कि रैली में कोई इक्का दुक्का बिना हेलमेट के हो भी तो क्या। ऐसा है, आपको ये भी पता है मैक्सिमम लोगों ने हेलमेट लगाया हुआ था, ठीक है, कुछ लोग भाई ऐसा ज़्यादा 100 में से अगर एक आधा होगा भी तो उसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी ये सेक्शन है कि सभी हेलमेट डाल के जो है वो रैली करते हैं।